प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते बीते वर्ष प्रदेश सरकार ने धर्मशाला में इन्वेस्टर मीट भी आयोजित की थी, ताकि प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके और युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। लेकिन बड़सर विधानसभा क्षेत्र के बलबिहाल में 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए शिलान्यास किया था, ताकि क्षेत्र के युवाओं को घर द्वार पर रोजगार के साधन उपलब्ध हो सके। लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी यहां लाखों रुपए खर्च कर 5 शेडों का निर्माण किया गया था, जो मौजूदा समय में सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। हालत यह है कि इन शेडों में काफी ज्यादा दयनीय स्थिति हो चुकी है। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए 53 कनाल भूमि का चयन किया गया था और लाखों रुपए खर्च करके सड़क निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था, जो अभी तक अधूरा पड़ा है। विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र बसाने के लिए आवेदन भी मांगे गए थे, लेकिन अभी तक केवल 2 पात्र लोगों को ही आवंटन हो चुका है, जिनमें अभी तक औद्योगिक काम शुरू नहीं हो पाया है। इसके कारण सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद ये शेड धूल फांक रहे हैं। स्थानीय लोगों ने मांग करते हुए कहा कि सरकार को इन औद्योगिक क्षेत्र का पूरा निर्माण कराना चाहिए, ताकि यहां लोग अपने घर द्वार पर रोजगार के साधन मिल सके और क्षेत्र का विकास हो सके। ये सारी अगर जगह रोकी या इसका इतना ज्यादा पैसा सरकार ने लाया, जो भी सिस्टम है तो ये वर्तों चाहना चाहिए। इसका मतलब है थोड़ा पे हर जगह तो हम बिल्डिंग तैयार करी दिया, लेकिन अगला सिस्टम कोई नहीं। इस जो ढांचे जो चलाना चाहिए, छोटे छोटे कारोबार कोई भी है जिन्हें कोई एप्लीकेशन दीतियाँ जो चाहते उन्होंने जो लाट करना चाहिए सिस्टम सारा जी। तो आप क्या मांग करते हैं सरकार से? है सरकार से क्या मांग सरकार करते से हम उम्मीद करते हैं कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा जिस हालात बहुत ज्यादा खराब है, किसी न किसी इस लाट करो, जिससे जिस इलाके का कोई डेवलपमेंट हुआ है, कोई कारोबार चल रहा है। 60-70 कनाल जमीन बेकार सारी ये बाउंड करी थी, इसका जो कोई मतलब नहीं है। आंदे पशु चरते थे थी, सब कुछ हुंदा था, सभी सारा बंद हो गया, किसी बर्तन च नहीं है जी। तहां सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीद रख दी पे इसका कोई ना कोई हल जल्दी से जल्दी। इसके बारे में 15-1-2015 को उस समय के जो मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके करकमलों द्वारा इसका इस जगह का जो था इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के लिए जो था वो शिलान्यास किया गया था। लेकिन उसके बाद मैंने जितना जो भी हमारा ये जो बिल्डिंग है 5 शेड बने हैं, लेकिन ये एक खंडर की तरह बन के रह गए हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने जिस वक्त ये इंडस्ट्री एरिया आया था, इस इलाके को बहुत सारी उम्मीदें थी और इस पंचायत की जो 53 कनाल जमीन जो थी वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के नाम करवाई गई थी, इस उम्मीद से कि हमारे जो इलाके में 10-15 नियर अबाउट पंचायतें पड़ती हैं, तो उनके लिए यहाँ हमारे भाइयों को रोजगार होगा और ये अच्छा सुचारू रूप से जो है ये कार्य चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अभी जो हाल में सरकार है उसके द्वारा भी इसकी कोई सूद जो है वो बिल्कुल नहीं ली जा रही है, नहीं है। तो यहाँ कोई सेंट्रल स्कूल या हमारे बच्चों के लिए कोई अच्छा सा ग्राउंड या कोई भी जो भी मैंने यहाँ पर अगर नहीं हो तो हॉस्पिटल ऐसी जैसी अगर सुविधा या अगर इसी तरीके से इस इंडस्ट्री का काम रहना है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी गुजारिश करूँगा कि नहीं है तो इसको शिफ्ट करके और कोई जो हमारे बच्चों के लिए या स्कूल या हॉस्पिटल या कोई मैदान ऐसी जैसी सुविधा जो है। मैं 4-5 साल बरस पहले राजा वीरभद्र सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया था, मुख्यमंत्री वो थे, उसमें बिल्डिंग भी बन के तैयार होगी, लेकिन उसके बाद इसकी अलॉटमेंट होनी थी जो आज तक नहीं हुई। अलॉटमेंट नहीं होने की वजह से ये खंडर बन गया है, करोड़ों रुपया जो है वो बेकार जा रहा है और इसका कोई भी वो नहीं है, औचित्य नहीं है इसका खाली रहने का। तो हमारी मांग ये थी कि इसको या तो अलॉटमेंट कर देते, अगर अलॉटमेंट नहीं होती है, नहीं कोई लेता है, तो इसका कोई और प्रावधान करके कोई और चीज़ इसमें चलाई जाती ताकि इसका उपयोग हो सकता और ये जो लोगों को करोड़ों रुपया लगा है ये हो जाता। या जैसे आजकल कोरोना में काफ़ी बेरोज़गार लोग आए हैं, तो ऐसे बेरोज़गार लोगों के लिए कोई कार्य करने के लिए यहाँ पे
कैसे न कैसे अलॉटमेंट कर दी जाए, सरकार इस ओर ध्यान दे और ये जो करोड़ों रुपया खर्च सरकार का हुआ है इसका कोई। औद्योगिक विभाग के जनरल मैनेजर विजय चौधरी ने बताया कि बलबिहाल औद्योगिक क्षेत्र में 8 प्लॉटों को चिन्हित करके 3 प्लॉटों को सड़क के साथ जोड़ दिया गया है। साथ ही 7 शेडों में से केवल 2 शेडों का आवंटन कर दिया गया है, बाकी बचे शेडों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे मगर खामियों के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। बलबिहाल इंडस्ट्री एरिया जो है एक्चुअली मतलब इसकी जो डेवलपमेंट प्रोग्रेस होती है वो मतलब कंटीन्यूअस एक्टिविटी होती है, तो इसमें 7 शेडों का निर्माण किया जा चुका है, लगभग 8 प्लॉट जो है इस एरिया में हमने काम करवाए हैं और उसमें 3 प्लॉट जो है वो उनको रोड के साथ कनेक्टिविटी कर दी गई है और 1 प्लॉट जो है हमने अलॉट भी कर दिया है और शेडों में भी हमने 2 शेड जो है वो हमने अलॉट किए हैं और जो है इसमें अभी जो अलॉटीज हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दी थी और जिनको हमने अलॉटमेंट कर दी है वो इसमें अपनी आगे की एक्टिविटी चालू करेंगे। एक जो प्लॉट नंबर 5 जो हमने अलॉट किया है उसको उसमें उन्होंने उसको प्लेन करके डेवलपमेंट शुरू कर दी है और 5-7 महीनों के अंदर अंदर वो एक अच्छी सी बेकरी यूनिट वहाँ लगाने जा रहे हैं। इसी तरह 2 शेडों में भी एक फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगेगा और एक स्टील फैब्रिकेशन का यूनिट का प्रोजेक्ट जो आया है उसको हमने किया है और 2 और शेडों की एप्लीकेशन हमें आई थी और 1 प्लॉट के लिए भी एक एप्लीकेशन आई थी तो उसमें कुछ कमी होने की वजह से हमने वो वापस करी हुई है और अभी जैसे उसकी खामियाँ दूर हो जाएंगी तो हम उनको भी अलॉटमेंट के लिए कंसिडर करेंगे।